यूपी के जिला मुजफ्फरनगर में थाना खतौली कोतवाली इलाके के गुआड़ा रोड स्थित रेलवे फाटक पर कई गांव के लोगों ने फाटक पर बन रही अंडरपास का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। भारी संख्या में गांव के लोग रेलवे लाइन पर ही धरने पर बैठकर गांव ताजपुर के प्रधान निवेश राणा ने बताया कि उनका विरोध गुआड़ा फाटक पर बनाए जाने वाले अंडरपास को लेकर है, क्योंकि अगर ये अंडरपास बना तो गांव के लोग एवं छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि यहां पर दो अंडरपास बनाए जा रही हैं, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि इन दो अंडरपास बनाने के बजाय सरकार यहां पर फ्लाईओवर बना दे। उन्होंने कहा कि आज वे केवल शांति पूर्वक धरने पर बैठे हैं, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये ट्रेन रोक कर धरना प्रदर्शन करेंगे, मगर यहां पर अंडरपास नहीं बनने देंगे। रेलवे लाइन पर घंटों धरना प्रदर्शन के बाद ग्रामीण खतौली तहसील में पहुंच गए, जहां उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करते हुए अपनी समस्या का समाधान कराने की मांग की। ये रेलवे ट्रैक के बीच में हम बड़ी शांतिपूर्वक अपनी मांग मांग रहे हैं। यहाँ पर क्या है, रेलवे विभाग वाले अंडरपास बना रहे हैं, जिससे स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को और सभी क्षेत्रवासियों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अंडरपास भी दो बना रहे हैं, दो अंडरपास ना बना के हम लोगों की सभी क्षेत्रवासियों की मांग है कि एक फ्लाईओवर दे दिया जाए, फ्लाईओवर से सारे क्षेत्र, जिससे सभी क्षेत्र की जनता की स्थिति सुधर जाएगी, सभी लोगों की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। ये कहाँ पर है? ये बुआड़ा रोड फाटक है, SL 45 फाटक है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर क्या? मांग अगर पूरी नहीं होती तो हम रेल रोकेंगे, धरना देंगे, बैठेंगे। हमारी मांग बिल्कुल अभी शांतिपूर्वक है, हम कोई चीज जबरदस्ती नहीं करना चाह रहे हैं। अगर मांगे नहीं होंगी तो हम धरना भी देंगे, रेल भी रोकेंगे, सारे कार्य करेंगे। हमारे साथ सभी लोग, जनता जुड़ी हुई है, सभी लोग परेशान। 14-15 गांव हैं इस रोड के, जो सभी दुखी हैं। 2000 आदमी, कल को 10,000 मिलेंगे। रेलवे वालों से आज हमारी वार्ता है, हम अपने लोगों को लेकर रेलवे SDM कार्यालय जा रहे हैं, वहां बैठ के अपनी बातें रखेंगे। मानते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन करेंगे।